द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक शोरूम सुविधा तथा उषा एजेंसी तरफ थी मॉनसून मेगा ऑफर। सुविधा धरमपुर तथा सुविधा किला पाड़ी ना शोरूम में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नो अद्भुत डिस्प्ले तथा दरेक ब्रांड नी विशाल रेंज में मॉनसून मेगा सेल नो लाभ लेवा जरूर पधारो तथा दरेक प्रोडक्ट नी खरीदी पर बजाज फाइनेंस तेमज एचडीबी तथा आईडीएफसी में 0% वगर व्याजे अने सरल हप्ते खरीदवानी सगवड़। ऑनलाइन थी खरीदवा पहला एक वार अमारा शोरूम नी मुलाकात अवश्य लो। सुविधामां रविवारे पण खरीदीनी मजा लई शको छो। बपोरे 1 वाग्या सुधी अने तहેવારો દરમિયાન આખો દિવસ શોરૂમ ચાલુ રહેશે। તો આજે જ પધારો એ જ શુભ સ્થળે જે 35 વર્ષથી તમારી સેવામાં અવિરત કાર્યરત છે, સુવિધા ધરમપુર તથા સુવિધા કિલ્લાપાડી। दादरा नगर हवेली अने दमण दीव प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार ना निर्देश मुजब देशभर में 20-26 सप्टेम्बर सुधी वाणिज्यक सप्ताह की उजवणी थई रही छे, जे अंतर्गत दमण में 2 दिवसीय वाणिज्यक एक्सपो नु आयोजन करायु छे। आ एक्सपो संघ प्रदेश ना औद्योगिक एकमों में थयेला उत्पादन पर राखवामां आव्यो छे। थोड़ा समय अगाउ आ मुद्दे संघ प्रदेश ना उद्योग सचिव ए मुथम्मानी अध्यक्षता में दमण ना उद्योगपति साथे एक बैठक नु आयोजन पण करायु हतु। संघ प्रदेश इंडस्ट्रीज ना डिरेक्टर एस कृष्णा चैतन्यना जणाव्या मुजब अत्यार सुधी में 20-વધુ કંપનીએ એક્સપો માટે નોંધણી કરાવી છે। મંગળવારે સવારે 11 કલાકે દુનેઠા સ્થિત કોડી પટેલ સમાજના હોલમાં સવારે 11 કલાકે પ્રશાસકના સલાહકાર અનિલકુમાર સિંહના હસ્તે એક્સપોનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। દમણ અને સેલવાસમાં આવેલી અનેક ઉદ્યોગોને આ એક્સપોથી ઘર બેઠા જરૂરી માહિતી પણ જે તે વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવી હતી। मैं डायरेक्टर इंडस्ट्री का हमारे दमन के करता हूँ कि हमारे बीच हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। गाइडेंस के हिसाब से 21st और 22nd सितंबर हमारे जो बिजनेस होती है एक्सपोर्टर्स एक्सपो जैसे वाणिज्य मनाया जा रहा है 8 महीनों से खत्म हुआ। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टेरिटरी का जो एक्सपोर्टर है उनके प्रोडक्ट का विजिबिलिटी है और जो पब्लिक को पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं और जो बायर्स और सेलर्स का इंटरेक्शन भी हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो टेरिटरी का एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देना और जो एक्सपोर्टर्स है उनको एनकरेज करना। दमन इंडस्ट्री एसोसिएशन को हमें थोड़े दिन पहले बुलाया गया था सारे एक्सपोर्टर्स को कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एक वर्चुअल मीटिंग एक्सपोर्टर्स के लिए करने वाले थे। उस मीटिंग में सारे एक्सपोर्टर्स आए थे। उसके बाद इस जो कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत ये जो मनाया है वाणिज्य उत्सव के अंदर वाणिज्य सप्ताह है उसके अंदर जो है इन्होंने एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपो
के लिए कुछ वहाँ से उन्होंने ऐसे इंस्पेक्शन भेजे हैं, जैसा कि अभी उन्होंने डायरेक्टर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री मिस्टर भारद्वाज जी ने भी बताया कि ये सब जो है इनको पूरे देश के लेवल पे करना है। अभी ये एक्सपोर्ट की है, बाकी अगले 24 तारीख के बाद ये एवरी डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। तो हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन का यही रोल है कि हमने अपनी सारे इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्टर्स को ये कहा कि भाई आप भी अपना प्रोडक्ट को जो है उसको प्रेजेंट कीजिए, ताकि ये जो है प्रोडक्ट अभी जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट, उसको और ज़्यादा इसको जो है एक्सपोजर मिले और इंटरनेशनल लेवल पे इसको ज़्यादा रूप ज़्यादा कंट्रीज जानी जाने इस लेवल पे बनाए, क्योंकि ये सब का जो है वो तो आगे जाने वाला है इंटरनेशनल लेवल पर, और इसके लिए ये किया है। और इसमें जितना भी ये काम हुआ है ये गवर्नमेंट ने सब अपनी तरफ से किया है, हमें मोटिवेट करने के लिए, एक्सपोर्टर्स को मोटिवेट करने के लिए और इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करने के लिए। वलसाड जिला कपराड़ा तालुका विधानसभा बीजेपी ग्रुप में सोमवार रात्रि ग्रुप न एक सभ्य अश्लील वीडियो ग्रुप में शेर करता खड़बड़ाट मची गयो हतो, जेने लईने अश्लील वीडियो ग्रुप में शेर करनारा सभ्य ने ग्रुप मांथी रिमूव करी देवामां आव्या हता। आ सोशियल मीडिया ना ग्रुप में पानी पुरवठा मंत्री जीतुभाई चौधरी सहित जिलाना बीजेपी ना अग्रणीओ, बीजेपी जिला प्रमुख हेमंतभाई कंसारा, गुलाबभाई राउत, कपराड़ा भाजपना सोशियल मीडिया ना इन्चार्ज सहित ना अग्रणीओ सामेल छे। वलसाड जिल्लाना कपराड़ा विधानसभाना भाजपना ग्रुपमां सोमवारे रात्रे ग्रुपना एक सभ्य द्वारा अश्लील वीडियो शेर कर्या हता, जेने लईने कपराड़ा पंथकमां चर्चानो विषय बन्यो हतो। कपराड़ा विधानसभा ग्रुपना एडमिने अश्लील वीडियो शेर करनारा व्यक्तिने तात्कालिक ग्रुपमांथी रिमूव करी दीधो हतो। आ कपराड़ा विधानसभाना सोशियल मीडिया ग्रुपमां पाणी पुरवठा मंत्री जीतुभाई चौधरी, जिला भाजप प्रमुख हेमंत कंसारा सहित कपराड़ा बीजेपी सोशियल मीडिया इन्चार्ज सहित अग्रणीओ एक्टिव सभ्य ग्रुप में हे, त्यारे भाजपना व्हाट्सएप ग्रुप में युवक द्वारा अश्लील वीडियो मेसेज जीआईएफ फाइल मोकलता अनेक लोको क्षोभजनक स्थिति में मुकाई गया छे। भाजप प्रमुख अने सोशियल मीडिया इन्चार्ज द्वारा आवा मर्यादा न जाळवता लोकोने ग्रुप में राखवामां आव्या छे तेवी चर्चा कपराड़ा अने वलसाड जिल्लाना सोशियल मीडिया में चाली रही छे। जो कि जिला भाजप प्रमुखे सोशियल मीडियाना ग्रुपमांथी अश्लील वीडियो शेर करनारा व्यक्तिने तात्कालिक रिमूव कर्यो हतो, तेमज जिला प्रमुख द्वारा बाकी रहेला लोकोने पण सभ्यता जाळवा सूचनाओ આપવામાં આવી છે। વલસાડમાં કોરોનાએ ધીમી ગતિએ પગ પેસારો કર્યો છે। વલસાડની કોન્વેન્ટ સ્કૂલની શિક્ષિકા કોરોના પોઝિટિવ આવતા ચકચાર મચી છે અને ધોરણ 6-8 વર્ગો બંધ કરવામાં આવ્યા છે। પ્રાપ્ત વિગત મુજબ વલસાડ ખાતે આવેલ કોન્વેન્ટ સ્કૂલની એક શિક્ષિકાને કોરોનાના લક્ષણો જણાતા ખાનગી હોસ્પિટલમાં ચેક કરાવ્યા બાદ રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હતો, તેમ છતાં સ્કૂલ દ્વારા આરોગ્ય વિભાગને જાણ ન કરી હતી અને બેદરકારી દાખવી હતી। શિક્ષિકાને લક્ષણો હતા તે છતાં સ્કૂલ ચાલુ રાખવામાં આવી હતી, જો કે આ લક્ષણો બાળકોમાં ફેલાય તો જવાબદાર કોણ એ સવાલની ચર્ચા લોકોમાં હાલ ઉઠવા પામી છે। જોસેફ સ્કૂલની અંદર આજે 3 દિવસ પહેલાં હાલમાં ડિસોજા નામના જે શિક્ષકને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો હતો, અમને એમની ગઈકાલે સાંજે જાણ થઈ, એટલે તાત્કાલિક અમે એક્શન સ્વરૂપે અમને નોટિસ આપી છે આજે, અને આજથી અઠવાડિયા માટે 7 દિવસ માટે સ્કૂલ બંધ કરવાની પણ અમને નોટિસ આપી છે, અને આજથી એ લોકોએ નોટિસ નોર્મલ કર્યો છે અને 7 દિવસ માટે બાળકોને શાળામાં બોલાવવાના નથી, અને જે શિક્ષકો એમના સંપર્કમાં હશે તેમનો આરટીપીસીઆર રિપોર્ટ અત્યારે હાલમાં ચાલુ છે, અને સમગ્ર સ્કૂલનું કેમ્પસને સેનિટાઈઝર કરવા માટે અમે સૂચના આપી છે। સેલવાસના નરોલી વિસ્તારમાં ગત માર્ચ માસમાં બનેલી અતિચકચારિત ઘટનામાં સમગ્ર સભ્ય સમાજને હચમચાવી દીધી હતી। બિલ્ડિંગમાં જ રહેતા આરોપી યુવકે 3 વર્ષની બાળકીનું અપહરણ કરીને દુષ્કર્મ કર્યા બાદ ઘાતકી હત્યા કરી હતી। સેલવાસ પોલીસે પોતાની સક્રિયતા દેખાડતા આ મામલાના આરોપીને માત્ર 1 દિવસમાં પકડી લીધો હતો, એ સાથે જ 10 દિવસના અંદર વિશેષ ફાસ્ટ ટ્રેક અદાલતમાં ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી દીધી હતી। પોલીસ દ્વારા આ જનધન્ય અપરાધ ત્વરિત કરવામાં આવેલ કાર્યવાહીના કારણે અદાલતે પણ ત્વરિત સુનાવણી કરતા 7 મહિનાના અંદર બચાવ પક્ષ તથા અભિયોજના પક્ષ તરફથી આપવામાં આવેલી દલીલોને સાંભળ્યા પછી આરોપી સંતોષ બિટ્ટુ રજાકને આજીવન કારાવાસની સજા સંભળાવી હતી। ન્યાયાલયે પોતાના નિર્ણયમાં લખ્યું છે કે સંતોષ સભ્ય સમાજમાં રહેવા લાયક નથી, એને માટે જ્યાં સુધી જીવિત રહેશે ત્યાં સુધી જેલમાં રહેવું પડશે।
सेलवास न्यायालय जिला तेमज सत्र न्यायालय विशेष फास्ट ट्रेक अदालत न्यायाधीश ने नरोली में थे जधन्य अपराध में मानवता और सामाजिक सभ्यता माटे एक मोटी चुनौती समझी और पोलिस ने आ मामलाना पोतानी तत्परता देखाड़ी। पोलिस अध्यक्ष हरेश्वर स्वामी तथा तपास अधिकारी PSI छाया टंडेल द्वारा मामला में दरेक सबूत ने झीणवटपूर्वक तेमज सक्रियता एकत्रित करवामां आव्या हता। बनावना 10 दिवस अंदर फास्ट ट्रेक अदालत में चार्जशीट दाखिल कर नवो कीर्तिमान बनाव्यो हतो, जे दादरा गृह हवेली पोलिस द्वारा हमणा सुधी आवुं क्यारे नथी कर्युं हतुं। अदालतना दायरा में करवामां आवेली चार्जशीट अभियोजना पक्षे सरकारी वकील अर्नाल्डोरा द्वारा न्यायाधीशना समक्ष प्रस्तुत करी हती। 70 થી વધારે केस स्टडीना आधार बनावीने आरोपी संतोष बिट्टू ने आ जघन्य अपराध माटे मौतनी सजा आपवानी दलील प्रस्तुत करी हती। न्यायालय आ मामला में अलग फैसलो संभळाव्यो छे, जे प्रमाणे अपराध करवावाळो संतोष ने हमणा आखू जीवन ज्यां सुधी जीवित रहे त्यां सुधी पोतानो जीवन जेल में व्यतीत करवो पड़शे। સેલવાસના આશાસ્પદ બાઇક સવાર યુવાનને કન્ટેનર ચાલકે ટક્કર મારતા ઘટના સ્થળ પર મોત થયું હતું। પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર કમલેશ રાડિયા પટેલ, રહેવાસી દાડુલ ફળિયા, જે પોતાની સ્પ્લેન્ડર બાઇક નંબર DN09M8346 પર કોઈ કામસર નીકળ્યો હતો, તે સમયે બાવીસા ફળિયા પંચમુખી હનુમાન મંદિર નજીક રિંગ રોડ ટર્નિંગ પર પાછળથી આવતા કન્ટેનર ચાલકે જોરદાર ટક્કર મારતા કમલેશે પોતાનું બાઇકનું બેલેન્સ ગુમાવ્યું હતું અને કન્ટેનર નીચે આવી ગયેલ, જેમાં એને માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતાં એનું ઘટના સ્થળ પર જ કરુણ મોત નિપજ્યું હતું। અકસ્માત કરનાર કન્ટેનર ચાલક કન્ટેનર લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો। ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ અને 108 એમ્બ્યુલન્સ ની ટીમ આવી પહોંચી હતી અને લાશનો કબજો લઈ PM માટે મોકલી આપી હતી। સેલવાસ પોલીસે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે દાડુલ ફળિયા ટર્નિંગ રિંગ રોડ પર વારંવાર આવા નાના મોટા અકસ્માતો થતા રહે છે। સ્થાનિકો દ્વારા આ ટર્નિંગ પર બમ્પ મૂકવાની માંગ પણ કરી રહ્યા છે। जिसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। यहाँ से भी ये साइड से भी देखिए रोड स्पीड में आ रही है, एक भी स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। स्पीड ब्रेकर की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे आए दिन हर रोज मतलब हर दूसरे दिन हम लोग देखते हैं, हमारे कई काम लोग रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट, कोई ना कोई मेजर एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट होते रहते। अभी भी मेरे सामने ही दोनों गाड़ी यहाँ से आ रही थी, कंटेनर RJ पासिंग का था, मेरे सामने पूरी गाड़ी वो बंदे पे चढ़ा दी। यहाँ पे प्रशासन को ध्यान देना ही पड़ेगा। यहाँ पे या तो यहाँ पे सर्कल बनवाइए या तो बम्पर डलवाइए। यहाँ पे आदमी की जान की परवाह कर प्रशासन देख ही नहीं रहा है, बस उनको कौन सी पार्टी कहाँ पे रोटी सेक रही है वो उसमें ध्यान देना है। तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ प्रशासन की गलती है इसमें। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए डिग्री इंजीनियरिंग में BE BTech में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन तारीख 7/8/2021 से आमंत्रित किए गए हैं। ऊपर के अभ्यासक्रमों में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा HSC साइंस स्ट्रीम में कम से कम 45% और आरक्षित वर्गों के लिए 40% उम्मीदवारों के मामले में होने चाहिए। विस्तृत प्रोस्पेक्टस आधिकारिक वेबसाइट www.thtedhdd.in पर डाउनलोड किया जा सकता है।